everyone, I'm Shahana Hussain and welcome back to my channel Humanity World. 2014 में बड़े जोरों शोरों से एक अभियान चला था जिसको स्वच्छ भारत अभियान के नाम से हम लोग जानते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद चलाया था वो अभियान. उसके बाद लोग कूड़ा फेंकना थोड़ा कम हो गया, मतलब बेसिकली जब मीडिया वगैरह में ज्यादा ये बात ज्यादा चलने लगी स्वच्छ भारत अभियान की, तो लोगों ने कूड़ा फेंकना थोड़ा कम कर दिया. स्वच्छ भारत को लेके थोड़े लोग ज्यादा सिंसियर हो गए और कहीं घर में भी कूड़ा फेंक दो तो बच्चा भी बोलता था मोदी मोदी मोदी, तो बड़ा ही अच्छा चला था हमारा स्वच्छ भारत अभियान. लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का एक और दूसरा पहलू जो कि मुझे लगता है बहुत ही अहम पहलू है, लोग जगह जगह कुछ ना कुछ खा के थूकते रहते हैं. क्या क्या पान चबाते हैं, गुटखा चबाते हैं, उसके बाद जगह जाके थूक देते हैं. अब वो तो मोदी जी नहीं आएंगे बाल्टी लेके पोछा लेके कि लाओ बेटा तुमने जहाँ थूका मैं वहाँ साफ कर देता हूँ. ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. दूसरे की कंट्री की बड़ी तारीफ होती है, वो वाली कंट्री इतनी साफ सुथरी है, दुबई देखो, अमेरिका देखो. अरे खुद की कंट्री को भी तो देखो, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या, ये हमारा जिम्मा है जगह जगह ना थूकें. कूड़ा अगर आप फेंकेंगे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आके उसे उठा के जहाँ उसकी जगह है वहाँ फेंक सकती है. लेकिन ये जो थूकते हैं उसका क्या, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आएगी बाल्टी और कपड़ा लेके लाओ मैं साफ कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा. या खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे कि लाओ आपने थूका लाइए मैं साफ कर देता हूँ, इतना तो नहीं होगा. दूसरों की कंट्री की हम तारीफ तो कर लेते हैं लेकिन खुद की कंट्री की हम लोग फिक्र भी नहीं करते. जहाँ मन करे वहीं थूक देते हैं. जिस दुकान के बाहर जाओ वहाँ पे थूका हुआ है, लाल लाल पड़ा हुआ है. सड़क पे निकलो जेब्रा पेंट होता है वो उस पर थूका पड़ा हुआ है. हर जगह थूकते रहते हैं. तो स्वच्छ भारत अभियान का थोड़ा सम्मान रखें और कृपया करके जहाँ तहाँ ना थूकें. नॉर्मल स्पिटिंग भी हो तो इट्स ओके, लेकिन ये जो खा के आप लोग चबा के थूकते रहते हैं उसका क्या. दूसरों की कंट्री की जितनी तारीफ करते हैं ना उतनी अपनी कंट्री की फिक्र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको लगता है ये मैसेज बहुत ही मीनिंगफुल था तो प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज एंड काइंडली जहाँ तहाँ ना थूकें. जय हिंद.